मुंबई एक मेट्रोपॉलिटन सिटी है जहाँ पे ऑलमोस्ट 80% ऑफ वुमेन बाहर निकलते हैं, पढ़ाई के लिए निकलते हैं, कोई जॉब के लिए निकलता है, तो उनकी सेफ्टी रहना इम्पोर्टेंट है। स्क्वाड एक्चुअली स्टार्ट हुआ था सितंबर अक्टूबर के मंथ में, मतलब वो एक ट्रायल बेसिस पे स्टार्ट किया था मुंबई में। और मुंबई में चालू करने का उसका मोटिव यही था कि फीमेल का एम्पावरमेंट हो और फीमेल प्रोटेक्शन हो और एक सिक्योरिटी उनको मिले और हर एक विमेन आज अपने प्रॉब्लम्स लेकर पुलिस के पास आ जाए। मुंबई में 94 पुलिस स्टेशन है, 94 पुलिस स्टेशन में इफेक्टिवली वर्क करता है ये निर्भया स्क्वाड। निर्भया स्क्वाड डे नाइट काम करता है, मतलब डे 12 आवर्स एंड नाइट 12 आवर्स। हर एक पुलिस स्टेशन में एक मोबाइल वैन दी गई है जो खास इसी का पेट्रोलिंग करती है। इसके ऊपर एक लेडी ऑफिसर, दो लेडी कॉन्स्टेबल्स और एक ड्राइवर होता है। तो जैसे सुबह आते हैं हम पेट्रोलिंग करते हैं हमारे एरिया में, अगर किसी को कुछ ज़रूरत पड़ी दिन भर में जितने भी फीमेल से रिलेटेड या फिर नॉर्मल भी कॉल होंगे तो वो भी अटेंड करते हैं, बट स्पेशली वी कंसिडर फीमेल। अगर ज़रूरत पड़े तो फीमेल को हम पुलिस स्टेशन भी लाते हैं वो वैन के अंदर, और बाद में इन्वेस्टिगेशन फ्यूचर इंक्वायरीज होती है उनके ऊपर। हमें अभी एक कंट्रोल का कॉल आया कि एक लेडीज़ को मदद चाहिए करके, एक आदमी तकलीफ दे रहा है ऐसा करके। तो हम पॉइंट पे गए, लोकेशन पे गए, देखा तो आदमी गाड़ी पे उनके मैडम के गाड़ी के ऊपर हाथ मार रहा था। तो मैडम आ गई और बोली ये आदमी दारू पी के बहुत चिल्ला रहा है, गाली दे रहा है। तो हमने वो उन दोनों को, मैडम को और आदमी को, गाड़ी में लेके पुलिस स्टेशन में ड्यूटी ऑफिसर के सामने रिपोर्ट किया उनको। सबसे बेसिक काम तो यही है कि फीमेल्स में जो कुछ भी प्रॉब्लम्स है, जैसे कि अगर कुछ कॉल फीमेल का अगर कुछ कंट्रोल पे कॉल आ जाता है कि उनको हेल्प चाहिए, अगर वो हमारे ज्यूरिसडिक्शन का कॉल हो तो हमारे पुलिस स्टेशन में वो कॉल आ जाता है और हम वो जो महिला है जिसको ज़रूरत है वहाँ तक हम पहुँचने का प्रयास करते हैं। एक्चुअली वो कॉल इन टाइम जो होता है वो 7 मिनट्स का होता है, 7 मिनट्स के अंदर हमको रीच करना पड़ता है वो फीमेल के पास। और दूसरा काम है एम्पावरमेंट का, स्कूल्स में जाकर लेक्चर्स दिए विमेंस को, फिर यहाँ विमेंस जो हॉस्टल्स है विमेन हॉस्टल में जाकर हमने वहाँ पे उनको लेक्चर्स दिए और हमने उनको अवेयर किया कि जब भी कोई प्रॉब्लम हो, जब भी कोई नीड हो तो उनको पुलिस के पास कैसे आना है, और बच्चे हैं तो उनको भी अगर हमारे पास रीच करना है तो उनको कैसे रीच करना है। उसके बाद हम दिन भर में कॉर्नर मीटिंग लेते हैं जिसके अंदर हम उनको अवेयरनेस के बारे में बताते हैं कि काफ़ी बार ऐसे होता है कि लेडीज़ डरते हैं पुलिस के पास आने से, तो फिर उसके लिए ये अवेयरनेस है कि वो नहीं डरे और पुलिस के पास हर एक वक्त जो भी कुछ प्रॉब्लम हो वो अप्रोच करे। निर्भया स्क्वाड बनाने के से जल्दी हो रहे, पहले देर लगता था जाने में, मतलब निर्भया स्क्वाड हो गया ना तो लेडीज़ का कॉल हमारे गाड़ी पे ही आता है और उधर हम जल्दी पहुँच गए। मुझे इनफैक्ट ऐसे भी मैसेजेस आए कि आपका जो इनिशिएटिव है ना काफ़ी अच्छा है, तो मुंबई या फिर नागपुर ऐसे कोई मेन जो सिटीज़ है वहाँ पे भी चालू करना चाहिए। मुझे बहुत बहुत ज़्यादा प्राउड फील होता है, जो भी पूरा कंसेप्ट है निर्भया स्क्वाड का उसके वजह से पीपल सेफ फील कर रहे हैं, बिकॉज इट्स नॉट अबाउट विमेन जो विक्टिम है, इट्स अबाउट मैन जो ये चीज़ें कर रहा है। तो उसको भी उनको भी बताना इतना ही इम्पोर्टेंट है कि आप अगर कुछ कर रहे हो गलत तो उसके लिए पुलिस है देखने वाली है।
इट्स लाइक सीसीटीवी कैमरा हमेशा वॉच रखते हैं आपके ऊपर, वैसे पुलिस है जो आपके ऊपर हमेशा 24 आवर्स वॉच रखता है, और अगर कुछ गलत करोगे तो वो रिपोर्ट होने वाला है।